अमेरिका से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर वापस लौटे झज्जर जिले के गांव दुल्हेड़ा के शहजादे संदीप देसवाल अब समाज सेवा में जुट गए हैं। संदीप देसवाल जो कि आज डीजी युवा के नाम से मशहूर हो चुके हैं, जिन्होंने प्रदेश में डीजी युवा के नाम से अनेक सेंटर खोले जिनमें करीब 3,000 युवाओं को रोजगार मिला है, साथ ही हजारों युवाओं को सीखने का मौका मिल रहा है। संदीप देसवाल ने अब बेरी विधानसभा से ताल ठोक दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों से प्रभावित होकर राजनीति में समाज सेवा के लिए उतरे हैं। बेरी विधानसभा से अब की बार उन्होंने ठान लिया है कि हर हाल में कमल को खिलाना है। वीरवार को युवा बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए बेरी विधानसभा में तूफानी दौरे किए। देसवाल ने दर्जन भर से अधिक गाँव का दौरा किया और ग्रामीणों को अपार जन समर्थन मिला। देसवाल ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया, साथ ही मुख्यमंत्री की आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए लोगों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री 25 अगस्त को दुल्हेड़ा गांव में अपनी यात्रा को लेकर पहुंचेंगे, जहां बेरी विधानसभा वासी लाखों की तादाद में मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त को दुल्हेड़ा में होने वाला कार्यक्रम बेरी विधानसभा के कमल खिलाने की नींव को रखेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अगर जन भरोसा जताया और जी जान से पार्टी की लोगों की सेवा के लिए जुट जाएंगे, हर हाल में बेरी विधानसभा से कमल खिलाएंगे। छात्र संघ का प्रधान रहा, कभी हारे नहीं, नेशनल लेवल का खिलाड़ी रहा, सबसे जरूरी पटेल बेस्ट कैडेट रहा नहीं का, और कभी जिंदगी में दारू नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, कोई ऐब नहीं है। तो संदीप ने भाजन का काम नहीं करा, मैं पटेल पटेल ने बजाने आ रहा हूँ। एक मीडिया साथी ने पूछा था, संदीप भाई कैसे पंगा लेगा, बड़े बड़े दिग्गज है। मैंने कहा भाई गलत है, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने सारे आम बना दिए। भाई काम करो, जो काम करेगा वो नेता है, वरना अपने घर बैठ जाए। ये आपने भी देखा होगा किस तरह काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने निगम में ऐलान किया कि जिसको आप दिग्गज के नाम ले रहे हो मेरे सामने खड़ा करे, मेरे सामने विचार विमर्श करे। अगर उनका 5 बार या मेरे पंद्रह का काम मेरे 6 महीने से ज्यादा हो जाए तो 2,000 रुपये में लेने होता हूँ, जिंदगी भर राजनीति नहीं करूंगा। मैं राजनीति की परिभाषा बदलने आया हूँ और बदल कर रहूंगा, पर आपके साथ के बिना बहुत मुश्किल है। साथ समाज का नहीं मिलेगा तो विश्वास करो आएंगे जाएंगे, हम जैसे युवा भी थके घर बैठ जाएंगे, क्या करेंगे, अपना काम तो करेंगे, जो पीना खाया वो करेंगे। पर अगर राजनीति तौर पर प्रतिबंध मिलता है तो इस काम में 4 चांद लग जाएंगे, इस काम को हम दुगना कर देंगे। उसके लिए मेरे आपका आशीर्वाद चाहिए और साफ सुथरी करेंगे, अपनी जेबें भरने नहीं आए, अपने काम करके आगे अपने आप अपने किसी की बिना मदद के हमने शुरू किया, मदद किसने करी मेरी इस काम में करने को, आप सबने करी, आशीर्वाद लो, बहुत बड़ी मदद है। वरना हमारे 5 बार के विधायक उन्होंने तो बोलने शुरू कर दिया होगा, तो इसे खबर आई थी मेरे पास, तभी मैंने डीगल में ऐलान किया था कि कादर साहब आप मेरे बड़े हो, आपके पैर छूंगा। मेरे पिताजी ने कहा बड़े का सम्मान करना है, पर आप हमारे बार को पूछूंगा कादर साहब 5 साल का काम बताओ, ये कहने शुरू कर दिया कि भाई सरकार ना थी मेरी, तो मेरी कौन सी मन्नत को तो सरकार को मदद मिली है। आपने भी सारा विश्व देखा है, पैसे आपके पास भी है, क्यों नहीं करा, पर नियत नहीं है। ये मैं अपने बुजुर्गों को दादा जी बता देना चाहता हूँ, इस राजनीति से ऊपर उठिए, हम सब क्षेत्रवासियों को आगे बढ़ेगा। इस दौरान संदीप देसवाल को जनता का प्यार एवं दुलार भी मिला। आपको बता दें कि संदीप देसवाल 20 साल से अमेरिका में अपना बिजनेस चला रहे हैं और वो पूरी तरह से सक्षम है। पिता उम्मेद सिंह दुल्हेड़ा 12 खाप के प्रधान हैं। अमेरिका को ग्रीन कार्ड देकर अब वो भारत लौटा है, जिनका उद्देश्य अब समाज सेवा करना है। संदीप देसवाल का मानना है कि राजनीति केवल राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि राजनीति के माध्यम से समाज सेवा भी की जा सकती है। मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कितनी भारी संख्या में माताएं बहनें बेटियां बुजुर्ग हमारे आशीर्वाद देने मुझे आ रहे हैं, और हमारी जो यात्रा हमारे मनोहर जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शुरू कर रखी है जन समर्थन यात्रा, उस यात्रा के अंदर इतना भारी समर्थन मिलता जा रहा है और बेरी विधानसभा क्षेत्र में इतना जोश मैंने पाया, इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी बार कमल यहाँ बेरी में रिकॉर्ड तोड़ पत्तों से खिलेगा, कि आपने अपनी आंखों से भी देख लिया। और हर आदमी का, हर महिला बच्चे बुजुर्ग युवा का हमें जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, हमारी पार्टी को जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल कार्य है उनका जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, हमारे सेंट्रल लीडरशिप माननीय
मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो काम करके दिखा दिया उसका जो समर्थन ये आपकी आंखों के सामने है। हर आदमी ने आशीर्वाद दिया कि संदीप बेटा आप चिंता ना करो, अब की बार कमल हम चला के माने। 25 तारीख को इतना भारी उत्साह है आपने देख लिया मेरे प्रति प्यार से। सबने माना कि बेटा तू अगर अमेरिका छोड़ के इस धरती पर 4 साल से कार्यरत है और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना जो देश बनाने का काम तू साथ में कर रहा है, माननीय मनोहर जी का जो हरियाणा प्रदेश बनाने का काम कर रहा है, बेरी विधानसभा क्षेत्र में हमने जो सेंटर खोल के युवाओं को जोड़ने का काम किया, उनको फ्री निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया, तो आप मान के चले मुझे इतना समर्थन ये आपने खुद ही देख लिया मिलता जा रहा है कि दुलेड़ा गाँव में और हमारी विधानसभा बेरी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सबसे भारी भारी से भारी समर्थन देके उनको ये दिखा देंगे कि बेरी विधानसभा आपकी बार कमर खिला के मानेगी। और दुलेड़ा में जहाँ मेरा स्थान है, जहाँ मैं माने मुख्यमंत्री जी को मुझे आशीर्वाद देने, मेरे डीजी युवाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो बच्चे हमारे वहाँ पे आएंगे, अब आप अपनी आंखों से देखना सबसे भारी संख्या में वहाँ तादाद में लोगों ने जो मुझे समर्थन दिया दुलेड़ा गाँव में स्टेडियम में आकर आप देखना अपनी आंखों से, तो इतना भारी समर्थन माताओं बहनों बुजुर्गों को मुझे मिलने वाला है वो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी आंखों से देख लेंगे और आपके माध्यम से भी आप देखेंगे। दिखाना आप लोगों से बात करो, आप हर आदमी की जन जन की एक आवाज है कि ऐसे विकास पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ एक विकास बेटा भी जो जुड़ा है साथ में जो विकास लेके आएगा, जिसका पूरे क्षेत्र के लोगों ने खापों ने नया नामकरण दे दिया संदीप सिंह डीजी हुआ, वो आपके सामने 25 तारीख को दुलेड़ा गाँव में दिखेगा। अमेरिका से नौकरी छोड़ के नया बच्चा की जिंदगी प्राण लग रहे हैं, रोजगार देने का भी लगा, पढ़ाई का लगा दो, आज आने वाला टाइम का है, अगर डिजिटल कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, कंप्यूटर नहीं जानता तो कुछ भी नहीं जानता, जो कंप्यूटर का जो इतना बढ़िया जो काम करने लग रहा है इससे समाज सेवा का, अमेरिका से नौकरी छोड़ कर नौजवान बच्चों को जो नौकरी देने लग रहा है, नौकरी देने का भी काम है और पढ़ाई का भी काम है, डिजिटल इंडिया जो काम लग रहा है इससे बढ़िया और क्या काम होगा। और इस लोगों यही आदमी विश्वास चाहिए हम जो हमारे इस इलाके में बेरी हल्के में जो अच्छा काम करे, ऐसा ही नौजवान ऐसा ही बच्चा चाहिए, वो निस्वार्थ होकर नए नौकरी छोड़ कर नहीं अमेरिका पे तो बच्चे ने पढ़ाने का काम करे, कंप्यूटर सिखाने का काम करे, अच्छा और इससे अच्छा क्या चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम है जी महावीर सिंह। हाँ तो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया, सरकार का बहुत बढ़िया, उम्मीद है कुछ। हाँ बिल्कुल जी, मन अच्छा है करके दिखाएगा जी, तो लोग साथ हो रहे हैं, विदेश से आया है। हाँ विदेश से आए हैं, कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे जी। क्या नाम है आपका? ओम सिंह।